भाई की शादी के लिए आया ना बेटा? बेटा एक महीने के बाद आएगा रिश्ता। हाँ हाँ कोई नहीं, तुम जाके बात कर लो। एक महीने के बाद आएगा बेटा रिश्ता, लड़की का दिल्ली से ही आएगा। वो अभी राज्य से बाहर गई। हाँ लेकिन लड़की अच्छी है बेटा, जो आएगा ना रिश्ता लड़की अच्छी है, कहने में रहेगी। क्योंकि भाई तो तुम्हारा तुम्हारी ऐसी है, चिंता बनाता तो है नहीं है ना। हाँ तो कम से कम वो तो सुनेगी आके तुम्हारी, वरना दोनों एक हो गए तो बिल्कुल ही घर कट गया फिर, समझ लो। वो आएगी सीधी आएगी, दिल्ली से ही है बेटा, है थोड़े गरीब परिवार की। एक महीना रुक जाओ, उसके बाद रिश्ता आ जाएगा। उससे पहले कोई रिश्ता नहीं लेना। हाँ हाँ बेटा है बिरादरी से बाहर, बसने वाली दूंगी। बिना बसने वाली क्या करेगा बच्चे, तुम्हारी इज्जत करे बड़ों की, दो रोटी दे दे तुम्हें, वरना वो ज्यादा है बातों में लगा के उसको भी ऐसे ही कर देगा। बसने वाली आएगी बेटा, माँ बाप भी डरेंगे तुमसे, ठीक है? बसेगी तो रोटी भी देगी, घर में खुशियां भी रहेंगी। और ये रह जाता है इसका भी करूंगी, पर पहले ये करवाओ जो काम जुड़े की, और एक काम का है तुम्हारा, है ना? हाँ एक महीने तक बेटा कोई रिश्ता लेना नहीं है, ठीक है? और जब रिश्ता आ जाए तो एक बार उनसे पूछ लेना आगे, वो तो मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। बोतलें से रखी है दुकान में, ऐसा है क्या कोई काम? बहुत ही लेके जाए दुकान में, दोनों टाइम छीटा दे, और घर में भी दोनों टाइम छीटा दे, बस इतना ही हो जाए। दोनों टाइम शीशा देना बेटा, घर में भी देना और बाहर भी देना है, दुकान में भी। हाँ ये देख तू अभी एक हफ्ते में तुझे कितना फर्क लगता, ठीक है? क्यों नहीं बोली भाई? नहीं बोली ना? हाँ तो बस यही का बेटा, एक महीने में तो तेरे वाले ना रहे हैं, कुछ लोग तो आएंगे भूख पर इतना निकलने बताया था, फालतू का व्यायाम करने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा? मतलब ये क्या कह रहे थे आपकी हमारी माँ ज्वाला में आई थी? हाँ वो बताओ, मतलब वो देख पूछूँ अब, उस दिन मना कर दी ना। बेटा तुम्हारे ना जाग लगती है नगरकोट में भी और ज्वाला जी में भी, जाग नहीं लगाई तुम लोगों ने तो आपसे पहले हमारे परिवार में किसी ने वो बताया ही नहीं ना किसी ने? हाँ मम्मी है तुम्हारी? मम्मी है, पूछो उनसे। नहीं वो भी पता। हाँ जाग लगती है बेटा तुम्हारी, नगरकोट के दर्शन करोगे, ज्वाला जी जाओगे, रात को वहीं जा लगाओगे, वहीं रुकना है रात को, चाहे मंदिर में रुको चाहे कहीं रुको, ठीक है? वहीं रुकना है रात को, अगले दिन पहले दर्शन करने हैं तो रुकना, फिर अगले दिन दर्शन करके फिर आना है, इसलिए नहीं हाजिर लगी ज्वाला जी में, लौट के नगरकोट नहीं जाना, ठीक है? ऐसे है बेटा हाजिरी तुम्हारी, हाँ ठीक है? और ये जिस दिन आपके तू जाए तू बुला भी नहीं है, तुझे बुला नहीं रही, भूल चुक हो गई ना वो। हाँ पाँच छह साल दिखा रही है मुझे तो, हाँ है ना? आप बुलाएगी बेटा, पता लग गई ना तुम्हें, ग्यारह रुपए रख देना ज्वाला के नाम के। देखो है तुम देरी नगर को ढाली तुम्हारी, पर जो दबाव देती है वो ज्वाला देती है, इसकी भी ऐसी ही है, और वो भी ऐसी करती है, इसकी भी ऐसी ही है, ज्वाला दबाव देती है, नगर को तो वो ठंडी है, ठीक है? ग्यारह रुपए रख दे ज्वाला जी के नाम के, उठा के देख कैसे बुलाती है। और अभी यही करके आना बेटा, तेरे घर में इतना होगा दुनिया देखेगी, और तुम्हारे के नाम के भंडारे लगाया करेगा, इतना होगा तेरे घर में, ठीक है? माँ तेरे भंडारे भर लिए जा ज्वाला, ये माई का वचन है। लगाओ जयकारा मत ज्वाला तेरी का जय। जिन लोगों ने तेरा नाच करा है ना बेटा, मई खड़ा होकर भंडारा लगाया करेगा, तू जयकारा लगाएगा तेरा मुंह देखा करेंगे, समझ रहा है? समझ गया ना किनकी बात कह रही हो? जय जाहिर करने की जरूरत नहीं है बेटा, अंदर ही अंदर रह के काट रहे तुझे। ग्यारह बजे बेटा आज जाके तू माई के नाम के, फिर देख माई कैसे चमत्कार करती है। और बेटा एक महीने के अंदर आ जाएगा तेरे भाई का रिश्ता, रिश्ता अच्छा आएगा, ठीक है? पापा जो आगे उनका करवा लेते हैं, हाँ वो मंजूर हुआ कि नहीं हुआ? संतोषी माता का बहुत बुरा पापा बने 25-30 साल पहले, वो कर करवा लेते हैं। ले लिया बेटा वो तो माइंड ले लिया था बेटा, लेकिन वो अचानक एकदम चले गए, क्योंकि करे कराए गए ना वो एकदम से, कुछ भी नहीं हुआ, आपके ऑपरेशन में कौन जाता है, कोई भी नहीं जाता,
ठीक है, एकदम से गए थे जो नॉर्थ से सीधे पल्ले की साड़ी बता रहे थे साड़ी तुम्हारी वो। हाँ, एक तो सीधे पल्ले की हमारे सामने वाली तो बड़ोदर में बांधती है। अच्छा, नाम बता बेटा। नाम बता दाम। और दूसरी जो मैं बता रही थी वो तो कटाई नहीं को बोल सकता। ये है जो पहले बोला बेटा नाम बादाम। हाँ, ये है, यही करती है, कुछ कुछ बड़ा भी होता है तुम्हारी देरी के आगे है ना। हाँ बेटे, तू बभूति लेके जाम आएगी और बांधे दरवाजे में, फिर देख कैसे अच्छा नाप मैं करती हूँ। मेरे बच्चों का जो बिगाड़ देगा उसे छोड़ दूंगी क्या मैं? अच्छा बढ़िया काम कर रहा था, नाप करके रख दिया। भाई भाई भी लड़ते हैं आज आपस में। अरे बेटा, तुम्हारे यहाँ चलता है वैष्णो दरबार, ज्वाला वैष्णो है तो थोड़ा खाने पीने का दिनों पे बढ़ जाता है। तुम्हारा भाई पीता है ना? पीता अभी भी पीता है, वो घर में नहीं पीता, बाहर पीता है। समझ रहे हो? थोड़ा दिनों के हिसाब से रखना, हम बोलते नहीं परहेज रखना है तो कोई ज्यादा परहेज है नहीं, पर रखो भी तुम्हारा ख्याल रखे, ठीक है ना। चिड़चिड़ा हो रहा है ना बेटा, वो उसकी वजह से हो रहा है, वो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है ना, वो ऐसे ही हो रहा है। ज्वाला है बेटा वो, तुम्हें दिख भी जाती है कई बार घर में, पर तुम लोग पहचान नहीं पाते। अचानक से आँख खुलती है ना, खुलती है ना अचानक से आँख, तो वही तो है। ग्यारह रुपए रख दिए बेटा, लिख ले भूल जाओ, ऐसी बुद्धि करा देती है माई। फिर ग्यारह रुपए रख दिए माई के नाम के, ज्वाला के नाम के। बेटा ये बहुत ही ले रहा, दोनों टाइम छिड़क नहीं है, दुकान में भी घर में भी, ठीक है। दरवाजे बेटा थोड़ी सी पॉलिथीन में बांध दियो ताकि बरसात में ना भीगे, ऊपर से लाल कपड़ा बांध दियो, अंदर की साइड बांध दियो, फिर देख बेटा कैसे मैं करती हूँ। जो भाव से आएगा बेटा उसका काम होता है, और जो भाव से नहीं आता ना, हमारी सोचती है ये ऐसे आया, मैं भी आजमा लूँ, ये मुझे आजमा रहा है, समझ रहे हो? भाव से आए हो तो वो जरूर काम करेगी माई, और माई ने जो वचन दिया है भाई वचन जरूर पूरा करती है अपना, ठीक है बेटा। पता पल्ला करके लेते हैं जी, वो मेरा भाई है, मुझे उसके ना वो घर वाली चली गई। हाँ, दो बच्चों को छोड़ के तो भाई को लेके आओ बेटा। माता मैं मेरे ऊपर मुझे 10 लाख रुपए दे देने, 8-1 से 2-1। हाँ तो बताओ कैसे? 11 रुपए तुम आगे अपने आप करेगी काम, ये सारे ठीक है, यही है बेटा जो घूमट रही है तेरे तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। 11 रुपए रख बेटा, फिर देख जहाँ नहीं मिली होगा वहाँ पे भी भागे आएंगे पैसे, ठीक है कि ना, क्या कहीं ना कहीं पैसे। हाँ मुझे, मैं उस दिन बताया नहीं था तुझे, काम करता करता एकदम से ऐसे हो जाता है कि सब कुछ खत्म, बच्चे भी टीचर है और सब, ये कर बेटा ठीक है। देख एक हफ्ते में तू लौट के माता जी में ना आए दरबार में, तो बेटा दरबार का नाम जुदा कर दिया, ठीक है। Thank you.